गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, बजाज फिनसर्व को आप लोगों को ट्रेड करने के लिए दिया ग्रुप में, इसके लेवल्स हमने ड्रॉ करके दे दिए। रीजन क्या है कुल मिला करके इसको शॉर्ट करने का, कि क्यों हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, इसके जो आंसर्स मिलेंगे हम लोगों को मिलेंगे हायर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी जिसकी वजह से हमने इसके अंदर आप लोगों से बोला है कि शॉर्ट करना और बाई नहीं करना है। अगर ये स्टॉक बाई हो रहा है तो हो जाए। वॉल्यूम और प्राइस दोनों को देखना, किसी भी सिर्फ एक चीज़ को देख करके काम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ इस एक बड़ी वाली कैंडल को आप देखो, इस बड़ी वाली कैंडल के बन जाने से 3 दिन पहले मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी, मतलब कि ये एक फॉलिंग रोज पैटर्न था। फोर्थ डे बाइंग होती तो प्राइस बाई हुआ। इसके अगले दिन क्या हुआ, मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, और एक तरह से जब आप देखोगे तो प्राइस पिछले 3 दिन से सेम पॉइंट के पास से इसके मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे प्राइस इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर निकल रहा है, इसको एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस मिल रहा है एग्जैक्ट 1513 और 1512 रुपए के लेवल से। प्राइस जब जब उस लेवल पर जा रहा है, इसके अंदर मूवमेंट डाउन साइड की तरफ हो रहे हैं। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से प्राइस हमारा यहाँ से नीचे की तरफ गिर जा रहा है। और आज भी जो हमें प्राइस मिला है एग्जैक्ट सेम लेवल पर मिला। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो प्राइस हमारी इस वाली कैंडल के ऊपर निकल करके अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, लेकिन ये कर क्या रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप इसकी एक्टिविटी देखोगे तो समझ पाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट नीचे गिरने से पहले लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स देती। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ से मार्केट नीचे, उसके नेक्स्ट है यहाँ से भी मार्केट नीचे, और आज एक बड़ा सा रिजेक्शन और प्राइस रिजेक्ट हो गया नीचे की तरफ। क्या हो सकता है अगर टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि रिस्क हर ट्रेड में होता है, यहाँ पर रिस्क क्या है इसको देखिए। अगर ये वाली डेट हम लोग देखेंगे 28 अगस्त मंडे का डे, मंडे के दिन मार्केट यहाँ पर इसने एक लो लगाया। अब इसके आगे बढ़ जाइए 29 अगस्त, यहाँ पर जो लो लगा है वो ये वाला है। मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 30 को एनालिसिस कर रहे हैं 28 की और 29 की, और इसके पहले जो फॉलिंग रोज पैटर्न बना फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये क्या है। सिंपली ट्रेड करना तो यहाँ से ट्रेड मारो ना, इसके पहले की एक्टिविटी क्या हुई है, पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है, बाई अगर हो सकता है तो कहाँ से हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है तो कहाँ से हो सकता है, अगर हम शॉर्ट करें तो कौन से हमारे रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें जान लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो वो डायरेक्ट नहीं गिर जाएगी, वो हो सकता है कल की जो सबसे लास्ट कैंडल हो वहाँ से प्राइस हमारा थोड़ा सा सपोर्ट ले, क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सपोर्ट ले। तो जब हम ये सारी एक्टिविटी या ये सारी रीडिंग कर लेते हैं तो डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब रिवर्सल्स के पॉइंट है। अगर ये आप नहीं करोगे तो समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये मार्केट गिर क्यों रही है, ये यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है। अच्छा चलो निकल जाते हैं। अब भले ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाए लेकिन डर 1% नहीं यहाँ पर, क्योंकि जाना तो चला जाएगा ऊपर। पहली चीज़ तो रिस्क हमने ज़्यादा लिया नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि जो हिस्ट्री हमें बता रही है पिछले 2 दिन की, क्योंकि मार्केट वहीं से कंटिन्यू गिरी है। अगर इसे अप साइड की तरफ जाना तो 9:15 की कैंडल को इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक 9:15 की कैंडल अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो रही है, बजाज फिनसर्व नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम पर बजाज फिनसर्व के अंदर आपको आज एक रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी, अगर मार्केट अपना 9:15 का हाई नहीं तोड़ती है तो। पूरे दिन बजाज फिनसर्व के अंदर आज के दिन शॉर्ट सेलिंग ही हो सकती है। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे थे कि लोज जो इसके ये अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर लो लगा, इसके बाद में यहाँ पर लो लगा। अब आज हो क्या सकता है कि कल का जो लो है ये पहली चीज़ तो हमारा टारगेट होगा आज का, लेकिन अगर मार्केट ने कल का लो तोड़ दिया तो फिर प्राइस आपको नीचे भी चलाएगा, और ये कुछ सपोर्ट एरियाज है यहाँ तक मार्केट हमारी नीचे की तरफ गिरेगी। कुल मिलाकर के डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको रेजिस्टेंस मिला, लोअर टाइम फ्रेम पर हमने अपने कन्फर्मेशन लिए एंड ट्रेड इज रनिंग। अब डेली टाइम फ्रेम पर अब वॉल्यूम को एक बार और देख लो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें क्या मार्केट शो करना चाह रही है कि फॉलिंग रोज पैटर्न बना मार्केट ऊपर। अब अगर हमारे किसी भी रेजिस्टेंस को मार्केट ने हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया तो इसे ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए ना, बट मार्केट ने जैसे ही नेक्स्ट डे का मूवमेंट दिखाया प्राइस हमारा नीचे आ गया, बट वॉल्यूम्स तो कम ही रह गए। और उसके अगले दिन देखिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए बट प्राइस के ब्रेकआउट नहीं हुए, समझ गए ना। याद आया वो जो फॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, एक मदर कैंडल की फॉर्मेशन, जिसमें प्राइस अपनी रेंज को नहीं छोड़ता है बट वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट इजिली हमें देखने को मिल जाते हैं। ये एक ये वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा होती है, सेकंड वाली कैंडल जो हमारी बेबी कैंडल होती है वो कम, और बड़ी वाली जो कैंडल होती है उसकी वॉल्यूम हमारी ज्यादा होती है। तो ये फॉर्मेशन दिख गए। अब यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना तो ये ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करेगा तो सिंपली ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि बाई का मेरा व्यू नहीं है। ब्रेक इन साइड की तरफ ये ट्रेड होगा। इस वजह से वॉल्यूम से, प्राइस के अकॉर्डिंग, डेली टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, जब इन सारे एनालिसिस को हम लोग कर रहे हैं तो एक चीज़ समझ में आ रही है, बजाज फिनसर्व को शॉर्ट कर दो, हो सकता है आज मूवमेंट इसके अंदर में अच्छा देखने को मिल जाए और ठीक ठाक प्रॉफिट हम लोग यहाँ से निकाल लें। थैंक्स।
वॉच करते हैं, देखते हैं। अब देखिए हमारा काम एनालिसिस करने का, हमने कर लिया। अब मार्केट इसको सही साबित करती है या गलत साबित करती है, ये मार्केट कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा।